अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही आसान है। इस वक्त मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है और किचन में जाने का मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं, किचन में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती, तो इसलिए मैंने सिंपल सी चीज़ें अपने लिए रेडी करके रखी हुई हैं, आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमने एक अदद लिया है यहाँ पर टमाटर, इसको हमने कट करके रख लिया है। साथ में हमने एक अदद खीरा लिया है, इसको भी हमने कट करके रख लिया है। लेमन लिया है, इसके अंदर हमने चिलीज को कट कर लिया है। एक अदद हमने बड़ा वाला प्याज लिया है, इसको भी हमने कट करके रख लिया है। यहाँ पर हमारे पास है चाट मसाला, हमने ये हाफ टी स्पून लिया है। सॉल्ट भी हमने हाफ टी स्पून लिया है और 1 टीस्पून हमने लिया है रेड पाउडर। यहाँ पर हमारे पास है सेवइयां, मिक्स करने के लिए हमने एक बाउल लिया है, बड़ा बाउल ले लेंगे हम इसको। इसमें हम अपनी सबसे पहले डालेंगे टांगरी, इसको डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है, इसको सेवइयां भी कहते हैं, नींबू भी कहते हैं और आप इसको टांगरी भी कहते हैं। गांव में बेसिकली इसको टांगरी कहा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको टांगरी कहा है। इसमें हम अपने ड्राई मसालों को ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर दी तो हमारा मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, तो इसमें हमने ड्राई मसालों को पहले डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे, ये मिक्स हो गया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कोकम्बर, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, इसके बाद हमने इसमें अपने अनियन ऐड करने हैं। अब ये सारी चीजें ऐड हो चुकी हैं, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें अब हम ये लेमन और जो इसमें हमने चिलीज कट करके रखी थी हम इसको ऐड कर देंगे। कि मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा स्पाइस ज्यादा रखा है, अगर आप लोग अपने अकॉर्डिंगली इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही यमी सा लग रहा है और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे, इसको हमने डिश आउट कर दिया है। अब हम इसके साथ एक और चीज़ बनाएंगे, वो है चाय, क्योंकि मुझे चाय इसके साथ बहुत पसंद है। आपको अगर कोल्ड ड्रिंक पसंद है तो आप कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, मुझे चाय पसंद है इसलिए मैं अब चाय की तैयारी करने लगी हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं चाय आराम से घर में कैसे बना सकती हूँ। अब हम चाय की प्रिपरेशन करने लगे हैं। सबसे पहले हमने इसमें एक अदर टी पैक लेना है, एवरी डे हम लेंगे 2 टीस्पून, क्योंकि मुझे ज़्यादा एवरी डे पसंद नहीं है इसलिए हमने 2 टीस्पून लिया। इसमें 1/2 टीस्पून हम शुगर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, गर्म पानी होना चाहिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको लास्ट में हम ओवन में थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि इसका कलर जो है टी पैक का बाहर आ सके। अब हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ओवन ऊपर पड़ा हुआ है, ऊपर आ चुके हैं, हम चाय को ओवन में रखने लगे हैं। चाय को हमने ओवन में रख दिया है, जब हमारी चाय में बॉईल आ जाएगा हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी चाय में बॉईल आ रहा है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे ताकि ओवन ख़राब ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी चाय में बॉईल आ गया है, अब हम इसको ओवन से बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी चाय का कलर कितना अच्छे से निकल आया है। हमारी चाय रेडी है, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। तो गाइज़ हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है, मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं, तो अब मैं अपनी एक फ्रेंड को सर्व करूंगी और उससे पूछूंगी कि उसको इसका टेस्ट कैसा लगा। अब हम सर्व करने लगे हैं। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, थोड़ी सी नीचे गिर गई है। अब हम ये उजाला को टेस्ट करवाएंगे, उससे पूछेंगे कि उसको कैसी लगी। है उजाला, हाँ उजाला, अब तुम ये मुझे टेस्ट करके बताओ तुम्हें कैसी लगी। ओके,
जी उजाला, अब आपने टेस्ट कर लिया, आप मुझे बताएं आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और मैं सब ऑडियंस को बोलूंगी कि आप भी ट्राई करें और बनाए बहुत अच्छा लगा। तो गाइस जाला को रेसिपी बहुत पसंद आई है, तो मैं आप सब ऑडियंस से कहूंगी कि आप जरूर ट्राई करें। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर।